आज सुबह जब मैं घर में बैठा हुआ था तब मेरे मम्मी अचानक मेरे पास आई और सल्फेट लेके भेजवा दे मेरे को खेत। मैं सल्फेट लेके इसलिए जा रहा था क्योंकि रात से हो रही थी बारिश जिससे खेतों में हो गई थी नमी। तो मैं सल्फेट लेके जा ही रहा था तो मुझे दिख गए मेरे सिस्टर लोग जो इस स्कूल के बाहर खेल रही थी। फिर मैं वहाँ से सीधे आगे रोड पर, रोड में आके देखा तो ठीक ठाक बारिश हुई थी और मैं गंदी से शक्ल को लेके आ रहा था खेतों में। खेत में जा ही रहा था तो मुझे दिख गया एक 100 साल पुराना कुआं चीख चीख के मुझे बुला रही। लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण मैं इस गंदे से शक्ल को लेके चल देता हूँ अपनी मंजिल की ओर। खेतों में पहुँचने के बाद मुझे दिख जाती है अपने खेत में हरियाली फसल और मैं ज्यादा देर ना करते हुए अपनी फसल को देने लगता हूँ सल्फेट। सल्फेट देने के दौरान बहुत तेजी से बारिश होने लगी और मैं फटाफट सल्फेट देके पहन के चप्पल चल देता हूँ अपने घर की ओर और मैं गिरते पड़ते आ जाता हूँ घर की ओर। लेकिन मैं पूरा तरीका से भींग चुका था। घर में आने के बाद अगरी के पानी को छान दिया बाल्टी में और पानी बाल्टी में ना गिर के गिर रहे थे जमीन पर। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली मेरा बाल्टी में पानी जमा हो चुकी और उसी पानी से मैंने धोया पैर। पैर धोने के बाद मैं आ जाता हूँ रोड पर। रोड में देखा तो नदियां बह रही थी और मछली एक भी नहीं। मैं पूरा तरीका से भींग चुका था, मेरा बाल भींग चुका था, मेरा जैकेट वगैरह सब भींग।